ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टू सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ये शायद हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और जिसमें ये डिस्कस किया था करंट इज फ्लोइंग थ्रू पी, इफ दिस करंट इज इंक्रीज तो क्या होगा। देखो जब आप करंट इसमें इंक्रीज करेंगे तो ये पड़ोस की कॉइल का फ्लक्स बढ़ा देगा, और ये जो कॉइल है ऐसा होने नहीं देगा, तो फिर ऑब्वियसली ये भी अपना करंट बढ़ाएगा ताकि क्या हो सके, दूर जाके अपने फ्लक्स को रिड्यूस कर सके। तो ऑब्वियसली दे विल रिपेल ईच अदर। अगर पहली कॉइल में करंट घटता है तो पहली कॉइल दोनों कॉइल्स पास आती हैं, और अगर बढ़ता है तो दूर जाती हैं, ऐसा हमने शॉर्टकट लास्ट टाइम किया था, क्योंकि अगर इसमें करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, इसको दूर ही जाना पड़ेगा अपने फ्लक्स को कम करने के लिए। फिर ये क्वेश्चन है जिसके अंदर बी वेक्टर कैसे है मान लो बोर्ड के अंदर, एरिया वेक्टर कैसे है मान लो बोर्ड के अंदर। अगर ये लूप ऐसे रोटेट कर रहा है, लूप ऐसे रोटेट कर रहा है सच दैट ये लूप है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बी वेक्टर अभी भी बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर अभी भी बोर्ड के अंदर है, बी और एरिया में एंगल क्या है जीरो। अगर ये घूम भी जाता है लूप तो भी एंगल जीरो ही रहेगा, तो फ्लक्स इनिशियली बी ए कॉस जीरो, फाइनल फ्लक्स भी बी ए कॉस जीरो, तो इसलिए चेंज इन फ्लक्स क्या रहेगा जीरो। तो चेंज इन फ्लक्स जीरो का मतलब कि इसके अंदर वो कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। कब नहीं होगी, सी डी ऑप्शन है, जब इसको रोटेट किया जाएगा, जब एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ओ है, मतलब एक्सिस इसका ओ से पास कर रहा है, तो जब एक्सिस ओ से पास करेगा तो क्वाइल ऐसे रोटेट करेगा, और जब ऐसे रोटेट करेगा तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नेट फ्लक्स जीरो होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर ये लूप कैसे पड़ा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर लूप है हैविंग एरिया ए, रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब ये इसका क्वाइल है, मान लो ये क्वाइल है, इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, मतलब अगर फील्ड इस तरफ है और ये क्वाइल ऐसे बनेगा तभी तो इसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द क्वाइल है। तो क्वाइल ऐसे पड़ा हुआ है, यानी कि क्वाइल कैसे पड़ा हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसे 90 डिग्री घुमा दिया। जब मैंने 90 डिग्री घुमाया तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, तो आप बस मुझे ये बताओ, जब बी वेक्टर ऐसे है और क्वाइल भी ऐसे है तो बी में और एरिया में एंगल कितना है 90, और जब मैंने 90 घुमा दिया तो बी और एरिया में एंगल क्या हो गया जीरो। तो एक बार एंगल जीरो बनेगा, एक बार एंगल 90 बनेगा, तो चेंज इन फ्लक्स अगर कैलकुलेट किया जाए तो चेंज इन फ्लक्स क्या है, चेंज इन फ्लक्स है एक बार एंगल जीरो बनेगा एक बार 90 बनेगा, तो चेंज इन फ्लक्स बी इंटू ए ही बनेगा, बी ए बनेगा। और क्योंकि 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमने का मतलब अगर टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो 90 डिग्री घूमने में टाइम पीरियड क्या होगा, टी बाय 4 होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये टाइम की वैल्यू आ गई। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स बी ए डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड आंसर आएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो चेंज इन फ्लक्स बी ए माइनस जीरो होगा, क्योंकि बी ए कॉस जीरो बी ए कॉस 90, और टाइम पीरियड में टी बाय 4 को ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करके ईएमएफ की वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। क्वेश्चन है कि मान लो ये एक क्वाइल है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो द फ्लक्स थ्रू द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस। तो फाई की वैल्यू ये रही आपके पास, तो इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ। डायरेक्शन तो मैं बता सकता हूँ, कैसे डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर बढ़ रहा है, ये क्वाइल नहीं चाहेगा, क्वाइल अपना बी बाहर कर लेगा, तो करंट कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब करंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा।
तो रेजिस्टेंस आर के अंदर करंट कहाँ से जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, एक आंसर। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू होगी फ्लक्स पता है ई एम एफ माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करके टाइम की वैल्यू पुट करके ई एम एफ आ गई, ई एम एफ की वैल्यू आ गई और लेफ्ट से राइट जाएगा, वो मैंने बता दिया। तो ई एम एफ निकालना तो आता ही आपको फैराडेज लॉ से, डी फाई बाई डी टी से ई एम एफ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के अंदर अ वायर लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एज शोन, ये रहे दो पार्ट्स, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बोर्ड के इनसाइड है और इंक्रीज हो रहा है। ये बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो ये लूप नहीं चाहेगी, तो लूप क्या करेगी, अपना फील्ड बाहर कर लेगी, तो करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट एंटी, ये तो हो नहीं सकता क्लॉकवाइज है, ये हो नहीं सकता क्लॉकवाइज, ये हो नहीं सकता, तो होगा क्या, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज भी अपने मन में, इसमें करंट नहीं होगा क्योंकि अपने मन में माने कि लूप ऐसे हैं, सेमी सर्कल में कर लें, और नेट करंट इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट हमेशा आउटर बाउंड्री में रहेगा, अंदर की बाउंड्री में करंट नहीं होगा। आप इस डायग्राम को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। खैर इसके अंदर तो ऑप्शन ही सिर्फ डी ऑप्शन आ रहा, और तो ऑप्शन आ भी नहीं रहा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, कंडक्टिंग रिंग आर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट एम, द प्लेन ऑफ आर इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस गिवन है, एम कैन मूव अलोंग दिस एक्सिस, तो क्या होगा इसमें। तो देखो जब मैग्नेट इसके पास जाएगा, तो मैग्नेट जब इसके पास जाएगा तो कि नॉर्थ पोल है, तो ये भी क्या डेवलप कर लेगा, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो आंसर क्या है, रिपेल व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स आर, तो रिपेल ही करेगा, ट्रैक तो क्यों ही करेगा इससे जब पास जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी के असाइनमेंट में किया था कि जब भी चार्ज निकालना है, अगर फ्लक्स चेंज हो जाए और आपको चार्ज की वैल्यू, कितना चार्ज फ्लो कर गया, बुकलेट में भी लिखा हुआ है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस आर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है एनसीईआरटी का। एट्थ, तो एट्थ क्वेश्चन में अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया ए, रिंग का एरिया ए है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, गिवन है। एंड गैल्वेनोमीटर इज, अ स्मॉल कट इज मेड इन द रिंग एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड सच दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर, व्हेन रिंग इज सडनली स्क्वीज टू जीरो एरिया, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट। तो एक बात बताओ कि एक लूप है, आपने उसको स्क्वीज कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म करने का मतलब एरिया बिल्कुल जीरो कर दिया, फ्लक्स जीरो हो गया। तो पहले फ्लक्स क्या था, बी इंटू एरिया, क्योंकि बी भी था एरिया भी था, अब आपने एरिया खत्म ही कर दिया तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया, बी ए माइनस जीरो। और कितना चार्ज फ्लो कर गया, हमने चार्ज का फॉर्मूला अभी मान लिखा, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस आर, तो अगर लूप का रेजिस्टेंस आर है और चेंज इन फ्लक्स क्या है, बी ए माइनस जीरो, तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा चार्ज का, डेल्टा फाइव बाई आर, ये हमने क्लास में प्रूफ भी किया था कैसे होगा। नाइन्थ है, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर एक वायर है और बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ डबल लूप, ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है इसमें, तो आपको करंट बताना है इसमें कहाँ से कहाँ होगा। इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ये ए है ये बी है,
और मैं इस डायग्राम को ऐसे बना रहा हूँ। एक ही बात है, देखो इसको थोड़ा गैप को बढ़ा दिया मैंने, और अब ध्यान से देखो तो बहुत फ़र्क नहीं है इसको और इसमें। तो इसके अंदर ये ए बी लिख दिया और ये सी डी लिख दिया, ये देखो ऐसे, मतलब इसमें गैप बढ़ाना चाहता हूँ, इसमें गैप बढ़ के ऐसा हो गया। एक ही बात है, थोड़ा गैप बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें डिक्रीज होगा तो ये नहीं चाहेगा लूप, ये अपना फील्ड ऐसे कर लेगा और करंट कैसे घुमाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देख रहे हो? तो करंट कहाँ से कहाँ गया, ए से बी गया, डी से सी गया, ए से बी गया, डी से सी गया, सेम आंसर है। मतलब यहाँ लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, टाइट है थोड़ा सा लूप, तो मैंने यहाँ लगा दिया, ए से बी गया, सी से डी गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है इसे? वहाँ लगाओगे तो फंस सकते हो, यहाँ लगा लो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्या क्वेश्चन है? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस लूप की तरफ आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि लूप के अंदर करंट कैसे जाएगा। देखो इसने ये नहीं पूछा क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो इसके फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, दूर जाएगा फ्लक्स कम होता जाएगा, तो करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज। क्योंकि जब पास आ रहा है और फिर दूर जा रहा है, तो करंट एक बार मान लो क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक बार तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, पास आने में अलग और दूर जाने में अलग, तो इसका डी ऑप्शन है सीधा। ये नहीं बताना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बताना है कि करंट में डायरेक्शन चेंज करेगा, दैट्स इट। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट शीट नंबर 41। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया कैसे? सोलेनोइड है, सोलेनोइड में जब करंट पास करेगा तो बी कैसे जनरेट होगा, एक्सिस के अलोंग। तो अगर बी एक्सिस के अलोंग है और आपने चार्ज को या ड्रॉप कर दिया, तो चार्ज भी एक्सिस के अलोंग है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल बी के अलोंग मूव करता है तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, बी क्यू बी साइन जीरो, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई असर नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा तो यानी कि ये फ्री फॉल में चला जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से गिर जाएगा, बात खत्म। क्योंकि मैग्नेटिक करंट कैरिंग सोलेनोइड इस पे कोई असर डाल ही नहीं रहा, तो इसलिए इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल हो जाएगा, बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर शोज टू सर्कुलर रिंग्स ऑफ रेडियस गिवन, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा रहा हूँ, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ा रहा हूँ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इंड्यूस करंट क्या होगा? पहले ये बताओ कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी। इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। तो इसके अंदर डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या होता है, बी इंटू एरिया होता है। तो एरिया बाहर आ गया, क्या बचा, डी बी बाई डी टी। बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, डी बी बाई डी टी गिवन है, कितना, के, तो एरिया इंटू के आ गया। एरिया क्या है, कितने एरिया में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इतने एरिया में, इसका एरिया और इसका एरिया, तो टोटल एरिया मिला के क्या आएगा, पाई इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और डी बी बाई डी टी क्या है, के। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई एम एफ की, तो ई एम एफ की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? इस ई एम एफ को
मैं डिवाइड करने वाला हूँ और इसमें b इंटू ए इंटू कॉस जीरो, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि एरिया वेक्टर भी बोर्ड के अंदर है, b वेक्टर भी बोर्ड के अंदर है, तो b ए कॉस जीरो से कर दिया। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इसमें करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, करंट होगी ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में लैम्डा का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पूरा सर्कमफ्रेंस क्या है इसका, 2πa + 2πb। ये आंसर मार्क कर लेना, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें। तो इसमें डी फाई बाई डी टी का मतलब बी इंटू एरिया, डी बी बाई डी टी गिवन है और एरिया आपको पता है पाई ए स्क्वायर प्लस पाई बी स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपको टोटल पता है लैम्डा इंटू 2πa + 2πb। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो यही किया हुआ है इसमें, चेक करो इसके अंदर ये मैंने किया हुआ है, ये रहा आपका डी बी बाई डी टी इंटू एरिया अपॉन, सिंप्लीफाई करके आंसर आपका। लेकिन अगले स्टेप में क्वेश्चन चेंज हो गया, इस क्वेश्चन और इस पिछले क्वेश्चन में फ़र्क है थोड़ा सा। क्या फ़र्क है, लूप को पलट दिया, देखा दोनों लूप पहले, जो दोनों लूप्स थी वो पहले ऐसी थी, अब एक को आपने ऐसे कर दिया तो एक ऐसी की जगह ऐसे हो गया, पलट गया। पलटने का मतलब इसमें बी और एरिया में एंगल ज़ीरो है, तो इसमें बी और एरिया में एंगल 180 हो गया, एक में एंगल ज़ीरो हो गया, एक में एंगल 180 हो गया, क्योंकि जो लूप पलटा गया उसका एरिया वेक्टर उल्टा हो गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, पूरे एक्सप्रेशन में सब कुछ सेम है, बस फर्क ये है क्योंकि एक में बी इंटू एरिया इंटू कॉस ज़ीरो होगा और दूसरे लूप में बी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 180 होगा, कॉस 180 की वजह से प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। तो एक फ्लक्स पॉजिटिव, एक फ्लक्स नेगेटिव, बाकी एवरीथिंग इज सेम, प्लस की जगह यहाँ पर टर्म माइनस आ जाएगी। समझ में आ रहा है ये स्टेप, बी ए कॉस जीरो, पिछली बार में तो दोनों लूप में एरिया बी ए कॉस जीरो पी ए कॉस जीरो था, तो एक में अब क्या होगा, बी ए कॉस जीरो हो गया, एक में बी ए कॉस 180 हो गया, तो एरिया माइनस हो जाएंगे, बात खत्म। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक समझो, ये ना मेरे को बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक उल्टी सीधी, मैं सीधी कर लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, जो वायर ऊपर से आ रही है उसको पलट लो। तो मैं काम करता हूँ, सी और डी ये वायर है और यहाँ पे बी और ए, उल्टा कर लिया, ए बी को बी ए कर लिया, देखो आपकी वायर ये खुल गई, लूप खोल लो, समझ में आ रहा है यहाँ तक, पलट लो ना, लूप खोल लो, सीधा हो गया डायग्राम, पलटोगे तो ऐसा हो गया। तो ऐसा करने में एक फ़ायदा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज करेगा अंदर की तरफ, तो ये भी कैसे जनरेट करेगा बाहर की तरफ, तो करंट कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, करंट ऐसे घूमेगा, तो सी से लेके बी तक, बी से लेके ए तक और डी से लेके सी तक, आंसर। ये ज़्यादा आसान है, खोल दो से, सही है यहाँ तक, क्लियर है। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, इसका मैथमेटिकल प्रूफ तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम नहीं करेंगे, इसका आंसर याद करेंगे कैसे,
मैथमेटिकल प्रूफ में देखो प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना ये लूप ट्रायंगल का लूप बाहर निकालते जा रहे हैं हम। जब बाहर निकाल रहे हैं तो पहले मैक्सिमम एरिया बाहर निकलेगा, फिर एरिया कम 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 होता जाएगा और फिर बिल्कुल ट्रायंगल बाहर निकल आएगा और करंट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जीरो। तो अभी मैक्सिमम एरिया इसके अंदर है, फ्लक्स मैक्स होगा इसका, डी ए कॉस जीरो से मैक्सिमम होगा, फिर एरिया कम होता जा रहा है, कम 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 कम, करंट जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हो जाए नहीं होगा, ये तो मतलब ही नहीं है कि पहले बढ़ेगा फिर कम कम होगा, ऐसा क्यों होगा? मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। तो इसका ग्राफ लीनियर होता है हमेशा, एक्सपोनेंशियल नहीं होता। अब इसको ना इंटीग्रेशन से करना होता है, स्ट्रिप्स ले लेके एरिया की इंटीग्रेशन है इसकी। जब आप करेंगे इसका लीनियर ग्राफ आएगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और जीरो पे ख़त्म होगा। इसको सीधा मार्क ही कर लेना, इसको याद कर लेना, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इसमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सेम डायरेक्शन में जब भी लूप में करंट होता है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अट्रैक्ट करती हैं। और जब तुम उसको पास लेके आओगे, नहीं इसमें सेम है कि ऑपोजिट है? ओ सॉरी, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है तो दे विल रिपेल ईच अदर। तुम जबरदस्ती अगेंस्ट रिपल्शन काम कर रहे हो और तुम्हें जबरदस्ती पास लेके आ रहे हो, तो ये ऑपोजिशन शो करेगा। आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका करंट 100% क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आंसर इंक्रीज है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये पहले आपस में क्या कर रही थी? रिपेल कर रही थी, पर आप इन्हें पास लेके आ रहे हो, तो आप जोर लगाओगे, आपके मैकेनिकल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी, तो आंसर इंक्रीजिंग आंसर है। नेक्स्ट का आंसर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेमी सर्कल का लूप है, वो बाहर निकलेगा। सेमी सर्कल में हमेशा हम एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, एक रॉड की तरह काम करेगा। जब रॉड की तरह काम करेगा, इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी बीएलवी, और इसका डिस्टेंस आर, और आर क्या हो जाएगा? 2R। तो बी इंटू एल इंटू वी में बी इंटू 2R इंटू वी हो जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मोशनल ईएमएफ आ गई इसमें। अब फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है? बी बोर्ड के अंदर है, थंब नीचे, तो करंट कैसे होगा? राइट की तरफ, तो यानी कि M से लेके Q। तो M से लेके Q का मतलब इंड्यूस करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा एंड Q इज एट हायर पोटेंशियल। तो आप पहले करंट निकाल लें, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव फ्लेमिंग के रूल से, और जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो हायर पोटेंशियल होगा, तो Q इसमें हायर पोटेंशियल होगा आंसर। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ये एक रॉड है, मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा जैसे किया हुआ है, अलग तरीके से करूँगा। एक रॉड है और रॉड की ये जो वेलोसिटी है वो वी गिवन है, ये वेलोसिटी वी है, तो ये वेलोसिटी भी वी है, तो ये वेलोसिटी वी है। अगर ये वी है तो एंगल थीट है, वेलोसिटी के तो कॉम्पोनेंट होंगे, तो
एक कंपोनेंट वी कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा। तो मोशनल ईएमएफ के अंदर याद करो लेंथ में और वेलोसिटी में एंगल क्या होना चाहिए 90। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा, बी इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा और लेंथ की जगह 2l, क्योंकि टोटल लेंथ इसमें कितनी गिवन है रॉड की 2l, तो b इंटू 2l इंटू वी साइन थीटा आंसर बी ऑप्शन। तो आप वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लो, हमने क्लास में किया था, अगर वेलोसिटी टेढ़ी है रॉड के साथ तो पहले आप कंपोनेंट्स निकाल के एक कंपोनेंट रॉड के अलोंग निकालो और एक परपेंडिकुलर निकालो और फिर बी एल वी निकालो, बी एल वी के अंदर वो वेलोसिटी लो जो रॉड के साथ 90 डिग्री पे है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे देखें, देखो क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर लूप है एंड हैज अ स्लाइडिंग वायर पी क्यू, तो आर और आर रेजिस्टेंस है, पी क्यू स्लाइड कर रहा है, तो इसे मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगी बी एल वी। इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी भी आर है और इसकी भी आर है, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट थ्रू द वायर पी क्यू। तो एक काम करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या सिखाया था, जब ऐसे रेजिस्टेंसेज लगी होती हैं, पहले आर और आर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में आर बाई टू। इस रॉड की जगह एक बैटरी लगा लें बी एल वी की, क्योंकि रॉड मूव कर रही है तो बी एल वी मोशनल ई एम एफ है और रेजिस्टेंस क्या है इसकी आर है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया, तो करंट क्या है, बी एल वी डिवाइडेड बाई आर और आर बाई टू किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो बी एल वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई टू इज द आंसर। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आंसर आएगा, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, फोर्टी टू, देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक रॉड है पी क्यू, ये रॉड है पी क्यू, ये पी क्यू मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है, अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है और ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस को मानते हुए रोटेट करती है, लेंथ इसकी एल है, तो मोशनल ईएमएफ इस और इस एंड के अक्रॉस हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर हो जाता है, किया था ये फॉर्मूला। प्रॉब्लम ये है, इसमें रॉड इस एक्सिस पर रोटेट ही नहीं कर रही, इसमें ये रॉड रोटेट कर रही है, ये एक्सिस है इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो यानी कि रॉड पहले यहाँ आएगी, रॉड फिर यहाँ आएगी, रॉड फिर यहाँ आएगी, रॉड फिर यहाँ आएगी, रॉड यहाँ आएगी, रॉड यहाँ आएगी और फिर ऐसे ऐसे रोटेशन होगी रॉड की, तो वो उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, राइट? अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसकी टेक्निक है, आप ये इमेजिन कर लें एक मिनट के लिए, ये ओ पॉइंट ऑफ रोटेशन है, आप ये इमेजिन कर लें कि जो रॉड है वो ओ तक है, बस रॉड है ही ओ तक, इमेजिन कर रहे हैं ओ तक रॉड है, तो लेंथ क्या होगी रॉड की, एल और एल, और वो ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, तो फिर ये बताएं कि क्यू पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, हाफ वी ओमेगा इंटू टू एल का स्क्वायर, क्योंकि मैंने अपनी रॉड को ओ तक जोड़ लिया और ओ तक जोड़ने का मतलब लेंथ कितनी है, टू एल है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये बनेगा, आंसर आ गया। अब एक काम करें, इमेजिन करें कि आपकी रॉड सिर्फ पी से लेके ओ तक है, बस पी से लेके ओ तक, बस पी से लेके ओ तक का मतलब, जब ये रॉड घूमेगी तो वी पी माइनस वी ओ की वैल्यू क्या आएगी, वी पी माइनस वी ओ की वैल्यू आएगी हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, बस। तो पहले मैंने क्यू और ओ को जोड़ा, फिर मैंने पी और ओ को जोड़ा, फिर दो इक्वेशन आई, दोनों को माइनस कर लिया, वी ओ और वी ओ कैंसल हो गया और फाइनल आंसर वी क्यू माइनस वी पी के बीच में आंसर आ गया, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पी और
क्यू में निकालना है और पी और क्यू की ये इक्वेशन है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ठीक है, यहाँ तक मिलता जुलता क्वेश्चन है सेम। इसमें फिर से रॉड रोटेट कर रही है, रॉड रोटेट कर रही है, उसका पॉइंट कहाँ पर है? ओ पॉइंट के अबाउट घूम रही है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ निकालना है? क्यू और पी का निकालना है। एक काम करो, इमेजिन कर लो पहले रॉड पी और ओ के बीच में है जिसकी लेंथ एल है, तो आप एल लेंथ की रॉड को जब घुमाते हैं तो वी पी माइनस वी ओ कैन बी कैलकुलेटेड, और यहाँ से वी पी माइनस वी ओ की वैल्यू आ जाएगी हाफ बी ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर। फिर एक काम करें, फिर Q और O को ज्वाइन कर लें। Q और O को ज्वाइन करने का मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 2L आएगी, रूट 2L। तो यानी कि वी क्यू माइनस वी ओ की वैल्यू आएगी हाफ बी ओमेगा इंटू रूट 2L का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने एक बार फिर से पॉइंट P और O को जोड़ लिया, फिर से पॉइंट Q और O को जोड़ लिया, तो वी पी माइनस वी ओ आ गया, वी क्यू माइनस वी ओ आ गया, फिर से इन्हें माइनस कर लें। अब जब आप इन्हें माइनस करेंगे, ये ग्राफ किसी और क्वेश्चन का है, तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो अपने आप वी क्यू माइनस वी पी की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो रॉड के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि जब रोटेशन होगी तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्लियर है? तो पी और ओ को जोड़ लेना है, क्यू और ओ को जोड़ लेना है, नॉर्मल फॉर्मूला लगा लेने हैं और दोनों को माइनस कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, स्क्वायर लूप ए बी सी डी ऑफ साइड एल इज प्लेस्ड विद अ पॉइंट लाइंग ऑन ओरिजिन, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बी नॉट एक्स माइनस के कैप, यानी कि बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्स्टेंट नहीं है, बी की वैल्यू यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा 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 होती जाएगी एक्स के साथ, तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी? अगर आपने इस लूप को पलट के यहाँ कर दिया, आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना क्या है? आप ये इमेजिन करें कि जब ये लूप यहाँ पर है तो बी बोर्ड के अंदर है, एरिया भी बोर्ड के अंदर है, बी और एरिया में एंगल क्या है? जीरो। और जब आपने इसको पलट दिया तो बी तो अभी भी बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर आ गया, तो बी और एरिया में एंगल क्या आ गया? 180। तो बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस 180। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी और है, फ्लक्स कैसे निकालने? बी ए कॉस जीरो से बी तो कांस्टेंट है ही नहीं, बी तो चेंज हो रहा है, और अगर बी चेंज हो रहा है तो अपने को बाय इंटीग्रेशन फ्लक्स निकालना पड़ेगा। कैसे? तो हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को यहाँ बनाते हैं अलग से, और एक स्मॉल एरिया लेते हैं इसका, ये डी एक्स है, ये एल है, तो इसका स्मॉल एरिया क्या है? एल इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बी इंटू एरिया, एरिया की जगह एल डी एक्स, तो और कॉस जीरो, क्योंकि पहली फिगर में एंगल क्या बना हुआ है? कॉस जीरो, तो बी इंटू एल डी एक्स कॉस जीरो। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे, तो जीरो से एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इनिशियल फ्लक्स आएगा। यानी कि इनिशियल फ्लक्स निकालने के लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बी इज चेंजिंग। अगर बी चेंज हो रहा है तो आपको इंटीग्रेशन से बी इंटू स्मॉल एरिया से जीरो से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब ये लूप पलट गया, ऐसे हो गया, एंगल क्या हो गया? 180 बी और एरिया में, बी तो अभी भी नॉन यूनिफॉर्म है, बी तो अभी भी इंक्रीजिंग है, तो फाइनल फ्लक्स निकालने के लिए भी आपको फिर से इंटीग्रेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी माइनस साइन के साथ, क्योंकि बी और एरिया में एंगल 180 हो चुका है, लिमिट क्या लगेगी?
एल से लेके 12 तक, तो लिमिट यहाँ पर क्या लगेगी एल से लेके 12 तक, इंटीग्रेट करें फाइनल फ्लक्स आ गया। आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना है, दोनों को माइनस करके आंसर कर लेना, आंसर आ गया। तो जिन क्वेश्चन में इसका मतलब भी चेंज हो रहा होगा, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, ऐसे फ्लक्स आएगा नहीं आपका। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक कि क्या रूल है इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के लेवल से हटके लेवल है इसका, आपको दिख ही रहे, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हर में अलग अलग टेक्निक यूज हो रही है, बाय प्रैक्टिस ही आएगी। पीवाई को स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, इसके करने कितने लोगों ने किए, इस क्वेश्चन के अंदर एक रिजल्ट लिखना पड़ेगा। अगर एक रॉड सर्कुलर मोशन में घूमती है तो रॉड के दो कोनों में इतनी ईएमएफ जनरेट होती है, हमने किया था। सेकंड रिजल्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में डिस्क घूमती है, ये डिस्क घूम रही है, तो डिस्क के सेंटर और सर्कमफ्रेंस पे भी ईएमएफ का यही फॉर्मूला है, ये नोट कर लेना फॉर्म रजिस्टर में, डिस्क में और रॉड में, सर्कम सेंटर में और सर्कमफ्रेंस पे ईएमएफ का फॉर्मूला सेम होता है, ई की वैल्यू सेम होती है, ठीक है यहां तक। तो ये नोट कर ले। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क क्या होती है, कटी हुई डिस्क है, ये अंदर से कटी हुई है, और कितना कटा हुआ पोर्शन है ए, और बाहर वाला पोर्शन क्या है बी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्यू और पी, या पी और क्यू के बीच में क्या होगा, दोनों डिस्क के सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप एक काम करो, इमेजिन करो पहले पूरी एक कंप्लीट डिस्क है, कोई कटी नहीं हुई, तो P और O के बीच में ईएमएफ का फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा इनटू बी स्क्वायर, और इमेजिन करो अभी सिर्फ इतनी ही डिस्क है, तो Q और O के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में हाफ बी ओमेगा इनटू ए स्क्वायर, तो Q और O का डिफरेंस आ गया, P और O का डिफरेंस आ गया, दोनों को माइनस कर लें, VO से VO क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ऑप्शन मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, तो वही रॉड वाला सेम कॉन्सेप्ट है, वैसे ही लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉड है, एक रॉड SHM में मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड आधा इसमें क्रॉस है आधा डॉट है, SHM में मूव कर रही है, सच दैट ये रॉड ओरिजिन से चलती है माइनस डी प्लस डी तक जाती है, फिर माइनस डी प्लस डी ऐसे मूव कर रही है, गिवन है क्वेश्चन में। आपको इस सिचुएशन में बस ये बताना है कि EMF P और Q में डेवलप होगी, इमोशनल EMF डेवलप होगी BLV, उसका ग्राफ प्लॉट करके बताना है किससे, टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, और रॉड ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है,
जब कोई भी बॉडी SHM में होती है, जैसे पेंडुलम भी है, तो मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सट्रीम पे जीरो होती है और मीन पे मैक्सिमम होती है। तो ग्राफ चेक करते हैं। तो ग्राफ के अंदर मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मोशनल EMF BLV में V मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन पर EMF मैक्सिमम आएगी। तो मीन पोजीशन का मतलब ये बॉडी मीन से चली थी तो आपका ग्राफ जीरो से नहीं स्टार्ट हो सकता, क्योंकि एक्स इजिकल टू जीरो के पॉइंट पे, टाइम टी इजिकल टू जीरो पे EMF क्या रहेगी? मैक्सिमम। मीन पोजीशन है इसलिए ये भी नहीं हो सकता, दोनों ग्राफ रूल आउट है। ये गलत है, आंसर गलत मार्क किया हुआ है, मत देखें इसे। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, आपका ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। टी इजिकल टू जीरो पे ग्राफ मैक्सिमम। कोई कहता है SHM है, साइनोसाइडल बना दो ना, इसमें ये भी नहीं होगा। क्यों? ब्रेक होगा। ब्रेक क्यों होगा? जैसी रॉड इधर आके वापस जाती है, वापस जाते ही उसका EMF उल्टा हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। क्वाड्रेंट ही चेंज हो गया, क्योंकि करंट नीचे की बजाय अब उल्टा हो जाएगा, तो देख रहे हो। और वैसे भी रीजन चेंज हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, एकदम डॉट से क्रॉस हो गया तो उल्टा होना ही होना है। तो ब्रेक तो होगी होगी, कॉन्टिन्यूस ग्राफ तो वैसे ही नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये उल्टा समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजन चेंज हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डॉट से क्रॉस हुआ, करंट इंड्यूस करंट ऊपर से नीचे हो जाएगा, तो ये मैं भी ऊपर ऊपर से नीचे हो जाएगी, तो ग्राफ ब्रेक होगा ही होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहां तक। सिक्स क्वेश्चन करने से पहले या सिक्स क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने से पहले लास्ट टॉपिक करेंगे EMI का, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। शीट नंबर 61 होनी चाहिए बुकलेट में, ओपन करना।